शिवा। आज सोमवार के दिन आइए सुनते हैं भगवान विष्णु और शिव जी की यह कथा। भोलेनाथ की महिमा को कौन नहीं जानता। धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि जब जब देवताओं और मनुष्यों ने शिव को पुकारा, वह उनके कष्टों को दूर करने के लिए दौड़े चले आए। शिव पुराण में एक कथा यह भी मिलती है कि तीनों लोकों को दानवों से बचाने के लिए इन्होंने भगवान विष्णु के पुत्रों का भी संहार किया। आइए जानते हैं संपूर्ण कथा। शिव महापुराण में कथा मिलती है कि अमृत मंथन के दौरान समुद्र से निकले अमृत को धारण करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस पर विराम लगाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप रखकर पहुँचे। दानवों ने जब मोहिनी का इतना सुंदर रूप देखा तो वह उस पर मोहित हो उठे। मोहिनी का रूप बनाए हुए भगवान विष्णु ने दानवों को छल से अमृत का पान करने से अंततः रोक ही लिया। इससे दुखी होकर दानव फिर से देवताओं के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन उनकी एक न चली। अपनी हार देखते हुए देवता पाताल लोक की ओर गए। श्री हरि विष्णु ने वहां भी उनका पीछा किया। श्री हरि जब दानवों के पीछे पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कैद में कुछ अप्सराएं थी। वह सभी शिव भक्त थी। भगवान विष्णु ने उन्हें दानवों से मुक्त कराया। उनके अनुपम मनमोहक छवि को देखकर सभी अप्सराएं मोहित हो गई। अप्सराओं ने भगवान शिव की अनन्य भक्ति की। साथ ही वरदान में विष्णु जी को पति रूप में मांगा। भोलेनाथ ने माया रची और भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया। कथा मिलती है कि विवाह के बाद कुछ दिनों तक श्री हरि पाताल लोक में ही रुके। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि उन अप्सराओं से विष्णु के पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन सभी में दानवीय अवगुण थे। धीरे धीरे उन पुत्रों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता मनुष्य सभी परेशान होकर भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। देवताओं और मनुष्यों की गुहार पर भोलेनाथ ने वृषभ यानी कि बैल अवतार धारण किया और पाताल लोक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर दिया। इस तरह उन्होंने तीनों लोकों को विष्णु के दानवी पुत्रों के आतंक से बचाया। शिव महापुराण में आगे कथा मिलती है कि जैसे ही भगवान विष्णु को वृषभ द्वारा अपने पुत्रों के संहार की खबर मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध में ही वह वृषभ से लड़ने पहुंच गए, लेकिन दोनों ही देवता थे तो लड़ाई का अंत
नहीं हो रहा था, तब अप्सराओं ने भगवान शिव से विष्णु जी को उनके वरदान से मुक्त करने की प्रार्थना की। जैसे ही श्री हरि अपने वास्तविक रूप में आए तो उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम का बोध हुआ। इसके बाद उन्होंने शिव से अपने लोक जाने की आज्ञा मांगी और वापस विष्णु लोक लौट आए। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे जिसका कोई भी ओर छोर नहीं था, ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए, ये भगवान शिव प्रकट हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।